बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज आज डे 68 हम करने वाले हैं लेग्स। बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज मैंने नाम बहुत सोच समझ के इसको मैंने रखा था क्योंकि हम बिल्कुल बिगिनर से वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे इंटरमीडिएट होंगे, फिर एडवांस भी होंगे। और बिगिनर अधिकतर क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट जाते ही एडवांस को देखते हैं कि हम भी ऐसा कर लेंगे, तो वो चीज़ों को गलती ना करते हुए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट इसीलिए करा कि कोई भी जो जिम जा रहा है, बिगिनर है, फर्स्ट टाइम जिम जा रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल हो, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे हम शुरुआत करेंगे जिम में जाके, उसी को लेके मैंने ये बिगिनर टू एडवांस वर्कआउट सीरीज स्टार्ट करी है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे चैनल को देखते होंगे जिसके अंदर पहले से ही उनकी बॉडी बनी हुई होती है, फिर वो और आपको वर्कआउट सिखाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि मेरी भी बॉडी नहीं है अभी, पहले मैंने जब ट्रांसफॉर्म करा वो एक अलग बात थी, लेकिन आज जब मैंने आपके लिए स्टार्ट करा डे वन, तब मेरी भी बॉडी नहीं थी, फैट मेरे अंदर भी बहुत सारा था। तो वहीं से स्टार्ट करा है, आपके सामने स्टार्ट करा है, जो भी है रिजल्ट आपके सामने है। जैसे आज डे 68 हम कर रहे हैं, तो उसको एक डे वन से लेकर डे 68 तक जो भी जर्नी रही है हमारी वर्कआउट की, डाइट की, और जो भी मैंने आपको इन दिनों के बीच में जो जो बताया है वो सब कुछ मैंने भी फॉलो करा है, आप भी फॉलो कर रहे होंगे। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। तो मसल गेन भी धीरे धीरे होगा, फैट लॉस भी होगा, थोड़ा तो टाइम लगता है नेचुरल वे से करने के लिए। अगर आप वे प्रोटीन या फिश ऑयल, मल्टीविटामिन इनको अवॉइड कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा है। मैंने इसके बारे में बता रखा है कि अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन ही ऐड करना है, तभी हमारा प्रोटीन सोर्स पूरा होगा। जिस चीज़ों से हमें प्रोटीन मिल सकता है, जैसे सोया चंक्स मैंने आपको बताए थे, राजमा हो गया, दाल हो गई, ये सब एक अच्छी क्वांटिटी के हिसाब से आप यूट्यूब कर लीजिए या गूगल कर लीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू पता पड़ जाएगी कि कितना 24 ग्राम प्रोटीन हमको लेना है तो कितनी हमारे को सोया चंक्स लेना है या फिर दाल लेनी है, वो आप ऐड कर सकते हैं वे प्रोटीन को हटा के। तो ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है कि आप वे प्रोटीन लेंगे तो ही अब आपकी बॉडी बनेगी, ये सब मिथ आप छोड़िए। हमें कुछ करना है उस चीज़ के बारे में आप सोचिए, हम बिगिनर हैं, उनको स्टार्ट करना है, धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे ही करेंगे। तो आज डे 68 कर रहे हैं, हम लेग्स कर रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट करिए, स्ट्रेच करिए, वार्म अप करिए, उसके बाद ही हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और प्रॉपर नींद लीजिए और डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखिए। तो आज का वार्म अप कर लेते हैं पहले, फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे लेग्स। सो गाइस, वार्म अप मेरा कंप्लीट हो चुका है, आज स्टार्टिंग हम जो करने वाले हैं, आपने देखा होगा टी बार हमने करा है बैक के अंदर, वैसा ही सेटअप होता है इसका भी, इसको हम कहते हैं लैंड माइन स्क्वाट्स। इसके अंदर भी सेम, एक सिर आपका किसी भी कोने पे आप लगा दीजिए बाहर का, और दूसरी साइड को हम फ्रंट स्क्वाट की तरह आगे की तरफ पकड़ के स्क्वाट्स करेंगे, ठीक है। इसको लैंड माइन स्क्वाट्स बोलते हैं, 4 सेट करेंगे, रेपिटेशन हम 6 तक रखेंगे, ये हम स्ट्रेंथ करने वाले हैं, वेट थोड़ा हैवी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे करना है। जब भी आप बार उठाएं हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट जब उठाने में हम गलती ये करते हैं कि जब किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो हम बैक को राउंड कर लेते हैं, क्योंकि फिर हम वर्किंग सेट फ्रंट रेपिटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम उसको उठा रहे हैं, जब पोस्चर ले रहे हैं, तब भी हम बैक को आर्च करके ही उठाएं। देखिए जैसे मैं उठाता हूँ, ये उठाया मैंने बैक आर्च करके, ठीक है। स्क्वाट वाली पोजिशन सेम, शोल्डर की विड्थ के यहाँ पे बैक आर्च रखनी है, ऐसे आपको बार को होल्ड करना है, ठीक है। अब नीचे आना है स्लो, पूरा बैठ के एंड अप, वन तो गाइस, लैंडमाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसपे हमने 4 सेट करे, 6 रेपिटेशन के। स्टार्टिंग वेट मैंने 20 केजी लिया था, फिर 30 करा, फिर 40 करा, फिर लास्ट सेट मैंने 45 करा, काफ़ी अच्छा लोड आया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। थोड़ा सा ध्यान रखें इसको करने में कि आगे से रोड
ज़्यादा आप पीछे कर नीचे जब कर रहे हो तो आगे से रोड नहीं निकल जाए, थोड़ा सा एक सेफ्टी पर्पज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं RDL रोमेनियन डेडलिफ्ट या फिर स्टिफ लेग, जिसके अंदर हम आज फ्री कर रहे हैं, स्मिथ पे नहीं कर रहे, फ्री करेंगे। और वेट में ले रहा हूँ 12.5 की तो प्लेट हो गई हमारी और 20 kg की रोड हो गई। अभी इसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेपर के ऊपर, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और स्टेपर के ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा रेंज और मिल जाएगा आपको, प्लेट टच नहीं होगी, प्लेट और नीचे तक चले जाएगा आपका हाथ, क्योंकि हमें जब रोमेनियन करते हैं तो हमें ज़्यादा नीचे तक जाना पड़ता है, स्टिप लेग के लिए ज़्यादा नीचे जाना पड़ता है ताकि हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा अच्छा लोड आए। तो इसके हम 3 सेट करेंगे, ये एंड्यूरेंस में होने वाला 12 रेपिटेशन। तो स्टार्ट करते, देखते कैसे करना है। पैर की ग्रिप आपकी जो रहेगी वो शोल्डर से थोड़ा सा अंदर की तरफ रखता हूँ मैं, और आपने बार होल्ड कर ली, उसके बाद आपको स्लो स्लो नीचे जाना है, नी पूरी लॉक नहीं होना चाहिए, हल्की सी सॉफ्ट रखते हुए नीचे जाना है। अभी मैं स्ट्रेट खड़ा हुआ हूँ, हल्की सी नी सॉफ्ट है, आगे बैंड होते हुए नीचे जा रहा हूँ, जा रहे हैं जितना जा सकते हो जाना है, एंड अप। ज़रूरी नहीं आप हर बार रेपिटेशन में पूरे खड़े हों, इतना भी चलेगा, और उसके बाद वापस नीचे चले जाइए। रोमेनियन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 सेट करें, 12 रेपिटेशन। वेट में नहीं बढ़ा पाया, 45 kg पे स्टार्ट करा था, लास्ट भी 45 पे ही करा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं सुपर स्क्वाट हैमर मशीन पे, हम करेंगे सुमो। सुमो के लिए पोस्चर वही रहेगा, बस हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे करना है। स्टार्टिंग वेट में 30 kg ले रहा हूँ, टोटल 60 kg हो गया, मशीन का वेट हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये कैसे करना है, इसमें हम बैक फेसिंग रखेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आप इसको लिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, सुमो वाला पोस्चर लेना, ग्रिप सुमो वाली लेना चाहिए पैर की, बैक आर्च, और इसके हम 4 सेट करेंगे, 6 रेपिटेशन। स्टार्ट करते हैं। सुमो स्क्वाट हमारा कंप्लीट हो गया, 4 सेट करे, स्टार्टिंग वेट 60 kg लिया था मैंने, उसके बाद फिर 10 kg बढ़ाता गया, फिर लास्ट सेट में 90 kg करा, 6 रेपिटेशन आ गए, काफ़ी अच्छा लोड आया, ग्लूट्स में भी आया, हैमस्ट्रिंग पे भी आया, क्वाड्स पे भी आया, काफ़ी अच्छे 4 सेट निकले। नेक्स्ट हम करने वाले हैं लेग एक्सटेंशन में हम 3 सेट करेंगे, 12 रेपिटेशन, और स्टार्टिंग वेट में 59 kg ले रहा हूँ, अगर लगेगा तो बढ़ाएंगे, तो सेम वेट रखेंगे। लेग एक्सटेंशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, 3 सेट करे हमने, 59 पे 12 रेपिटेशन, फिर 59 करे, फिर लास्ट में 66 करा, तीनों पे 12 रेपिटेशन करे, काफ़ी अच्छा लोड आया क्वाड्स पे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं हैक्स बार स्क्वाट्स,
इसमें आपको हेक्सा बार लेनी है और इसके अंदर हम 3 सेट करेंगे, 6-6 रेपिटेशन। स्ट्रेंथ होने वाला है, स्टार्टिंग वेट में 40 kg इधर लगाया, 40 kg इधर लगाया, बार करीब मान लिए 10 या 12 kg की बार होगी। तो स्टार्ट करते हैं 6-6 रेपिटेशन। इसको करने का तरीका सेम वैसे ही है, शोल्डर की विड्थ पे आपको पैर रखने हैं, बैक आर्च रखना है। जब आप लिफ्ट करेंगे तो बैक को आर्च रखना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बैक आर्च एंड लिफ्ट। सो गाइस, आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज हम करने वाले हैं स्मिथ मशीन पे स्टैंडिंग काफ रेस। इसके हम 4 सेट करेंगे, 12-12 रेपिटेशन की आज के डे की लास्ट एक्सरसाइज है। तो इसको तो मैंने बता रखा है कैसे करना, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ, काफ़ी अच्छा लेग का वर्कआउट था। लेग डे मिस नहीं करें, लेग जरूर करें, लेग को मिस करने की कोशिश ना करें, जितना हो सकता है लेग वाले डे को पूरा करें। और कल हम वीक बॉडी पार्ट करने वाले हैं, कल का दिन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, जो हमारा सबसे ज़्यादा वीक पार्ट है उसको हम करेंगे। तो लेग आज कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेचिंग करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।